हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कूलर का वायरिंग करके दिखाऊंगा। अगर हमारे कूलर में दो स्विच है तो इन दोनों स्विच का कनेक्शन हम पानी मोटर और फैन मोटर के साथ कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 6 वायर है। ये देखिए 6 वायर है मेरे पास, उसमें का ये दो पानी का है, पानी मोटर का वायर है ये दोनों, और जो ये इस केबल में है वो दोनों वायर सप्लाई का है, और ये दोनों वायर हमारे कूलर मोटर का है। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें कूलर मोटर के न्यूट्रल तार को लेना है, और फिर जो बाहर से सप्लाई आया हुआ है उसमें का भी न्यूट्रल तार को लेना है, और जो पानी मोटर का तार है उसमें का भी न्यूट्रल तार को लेना है, और इन तीनों तार को हमें इस तरह से एक कर देना है, अच्छे से ज्वाइंट कर देना है इसको। देखिए दोस्तों, इस तरह से छिलकर इसे अच्छे से ज्वाइंट कर देना है, और फिर इसमें टेप लगा देना है। अब आगे क्या करना है देखिए, अब हमें एक स्विच के साथ कूलर मोटर का कनेक्शन करना है और दूसरे स्विच के साथ पानी मोटर का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें सप्लाई के फेज वाले तार को स्विच में लगाना है। दोस्तों ये देखिए, ये केबल से निकला हुआ फेज तार है, जो बाहर से सप्लाई आया हुआ है वो वाला तार है ये। तो इस तार को हमें दोनों स्विच में लगाना है। तो आप किसी भी एक स्विच में सबसे पहले इस तार को लगा लीजिए। आप स्विच के ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं इस तार को, मैं इसे स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। अब क्या करना है देखिए, अब हमें एक और तार लेना है और उस तार को उसी में लगाना है जिसमें हमने फेज वायर का कनेक्शन किया है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से तार को लगा देना है और फिर इसे अच्छे से कस देना है। अब इस तार को हमें दूसरे वाले स्विच में लगाना है, तो मैं इस वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ इस तार को, और इसे भी अच्छे से कस देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या करना है। तो हमें मोटर के एक एक तार को एक एक स्विच के साथ कनेक्शन करना है। आप जिस भी स्विच से जिस मोटर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं उस वाले स्विच के साथ उस मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये पीला तार कूलर मोटर का है दोस्तों, तो मैं इसे इस वाले स्विच में लगा देता हूँ। आप चाहें तो इसे दूसरे वाले स्विच में भी लगा सकते हैं। आप जिस वाले स्विच से जिस मोटर का कनेक्शन किए रहेंगे वो वाला स्विच उस मोटर को ऑन ऑफ करेगा। तो ये स्विच तो हो गया कूलर मोटर का। अब हमें दूसरे स्विच में पानी के मोटर का कनेक्शन करना है, तो मैं इसमें पानी मोटर के फेज तार को लगा देता हूँ। स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है दोस्तों इस तार को, क्योंकि ऊपर वाला पिन खाली है, तो ऊपर वाले पिन में इस तार को लगाना है हमको, और फिर इसे अच्छे से कस देना है। ये वाला स्विच पानी वाले मोटर को ऑन ऑफ करेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारे कूलर का कनेक्शन हो गया। अब एक एक स्विच से एक एक मोटर ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से कनेक्शन करना है दोस्तों आप लोगों को।